हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं ऑल मैथमेटिक्स फॉर्मूला पार्ट 8। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और 7 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं और लाभ और हानि किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, उसके बाद लाभ और हानि किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं लोग क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों क्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, CP, इंग्लिश में CP कहते हैं लोग, जिसका फुल नेम क्या होगा दोस्तों, देखिए फुल नेम होगा कॉस्ट प्राइस। क्या दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, ठीक है दोस्तों, ये आपको इंग्लिश भी याद रखना है। तो चलिए क्रय मूल्य की परिभाषा जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस मूल्य पर, क्या दोस्तों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए वह उस वस्तु का क्या कहलाता है दोस्तों, क्रय मूल्य कहलाता है, यानी CP कहलाता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, CP कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए आप दुकान गए और 5 रुपये में कलम खरीदा है, तो कलम का क्रय मूल्य क्या होगा, 5 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने 5 रुपया में कलम खरीदा, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए तो 5 रुपया में खरीदा, तो क्रय मूल्य क्या हुआ, 5 हुआ। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं लोग विक्रय मूल्य। क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अब देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में क्या कहते हैं, SP। इसका फुल नेम क्या होगा, सेलिंग प्राइस। क्या दोस्तों, सेलिंग और प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाए, ठीक है दोस्तों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाए वह उस वस्तु का क्या कहलाता है दोस्तों, विक्रय मूल्य कहलाता है, क्या SP कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। मान लीजिए आपने कलम किसी को 5 रुपया में बेचा, तो आपने बेचा यानी किसी वस्तु को बेचा, तो वह उस 5 रुपया आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए लाभ और हानि जानते हैं लोग। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लाभ जानते हैं लोग। लाभ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रॉफिट कहते हैं, ये सबको याद होगा, प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लाभ किसे कहते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु का, क्या दोस्तों, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो बेचने वालों को क्या होता है, लाभ होता है। मान लीजिए आपने 5 रुपये में कलम खरीदा और 10 रुपये में क्या किया, विक्रय किया यानी बेच दिया, तो आपको 5 रुपये की लाभ हुई। तो इसलिए अगर यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो, तो बेचने वालों को क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। ये आपको ध्यान देना है, बेचने वालों को क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हानि चलते हैं। हानि, बेचने वालों को क्या होता है, लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो बेचने वालों को क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हानि देखते हैं लोग। हानि दोस्तों, देखिए हानि यानी लॉस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, लॉस। तो देखिए हानि किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से क्या कम हो, तो हाँ, बेचने वालों को क्या होता है, हानि होता है। मान लीजिए आपने 5 रुपये में कलम खरीदा और 4 रुपये में बेचा, तो आपको हानि हुई, क्योंकि आपने 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा, तो कम हुई है, तो इसलिए आपको क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए दोस्तों, आगे क्या है, अब सूत्र के बारे में जानते हैं लोग। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लोग, हाँ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आपको ध्यान दें, एक बार और रिवीजन करवा दूं दोस्तों। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, हानि। तो चलिए दोस्तों हानि देखते हैं। हानि किसे कहते हैं, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लाभ, जब लाभ निकालना हो तो यहाँ पे मैंने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस किया। क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस किया, ठीक। हानि में मैंने उल्टा किया, क्या किया, यहाँ पर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस किया और यहाँ पर मैंने क्रय मूल्य में से क्या किया, माइनस विक्रय मूल्य किया। ठीक है दोस्तों, ये आपको सूत्र याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है।
जो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब विक्रयमूल बराबर होता है लाभ प्लस क्रयमूल। क्या होता है दोस्तों? लाभ प्लस क्रयमूल। विक्रयमूल बराबर लाभ प्लस क्रयमूल। अब देखिए दूसरा सूत्र, देखिए विक्रयमूल पर ही है। विक्रयमूल बराबर होता है क्रयमूल माइनस हानि। यदि आप लाभ में प्लस क्रयमूल करेंगे तो आपको विक्रयमूल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको क्रयमूल में से माइनस हानि करेंगे तो आपको विक्रयमूल भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है दोस्तों क्रयमूल। क्रयमूल इक्वल टू क्या होता है? क्रयमूल इक्वल टू होता है विक्रयमूल माइनस लाभ। क्या होता है दोस्तों? विक्रयमूल में से जब आप माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्रयमूल प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो विक्रयमूल, क्रयमूल बराबर क्या होता है? विक्रयमूल माइनस लाभ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट सूत्र, देखिए नेक्स्ट सूत्र क्या है? क्रयमूल ही है। क्रयमूल बराबर क्या होता है? हानि प्लस विक्रयमूल। क्या होता है? यहाँ पर हमने विक्रयमूल में से माइनस लाभ किया तो हमें क्रयमूल प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हानि में जब हम विक्रयमूल प्लस करेंगे तो हमें क्रयमूल प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। तो आगे देखिए दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा लाभ मल्टीप्लाई 100 बटा क्रयमूल। क्या होता है? लाभ मल्टीप्लाई 100 बटा क्रयमूल। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ मल्टीप्लाई 100 बटा क्रयमूल, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब देखिए, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि मल्टीप्लाई 100 बटे क्रयमूल। हानि मल्टीप्लाई 100 बटे क्रयमूल, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते लो। आगे देखिए दोस्तों, आगे विक्रयमूल बराबर क्या होता है? विक्रयमूल बराबर होता है क्रयमूल इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100। क्या होता है? विक्रयमूल बराबर होता है क्रयमूल इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100, ये भी आपको सूत्र याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते लो। आगे सूत्र क्या है दोस्तों? क्रयमूल। आगे सूत्र क्रयमूल, ये आपको सूत्र नहीं याद करना है, ये दोनों आपको नहीं याद करना है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। तो ये देखिए विक्रयमूल, विक्रयमूल इक्वल टू क्या होता है? क्रयमूल इंटू, क्या होता है? क्रयमूल इंटू 1 माइनस हानि बटा 100, 1 माइनस हानि बटा 100, ये आपको सूत्र याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते लो। आगे क्या है? अब हम देखेंगे लो साधारण ब्याज। तो चलिए सबसे पहले ब्याज किसे कहते हैं ये जानते हैं लो, फिर मूलधन और मिश्र धन किसे कहते हैं ये जानते हैं लो। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं लो, तब आगे बढ़ते हैं लो। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं लो, तब जानते हैं लो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मूलधन जानते हैं लो। मूलधन क्या दोस्तों? मूलधन, ठीक है दोस्तों, मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूलधन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPAL। ठीक है दोस्तों, ये आपको मेलिंग भी याद रखना है। तो मूलधन किसे कहते हैं? सुनिए, उधार लिए गए धन को क्या कहते हैं? जब आप किसी से उधार लेते हैं तो उस धन को हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं दोस्तों? मूलधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक बार और डिवीजन करवा देता हूँ, उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। किसी से आपने उधार लिया, मान लीजिए 500 रुपया उधार लिया, तो वह 500 रुपया क्या कहलाया? मूलधन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो अब चलिए दर ब्याज देखते हैं लोग। ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्याज, ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं लोग इंटरेस्ट। क्या कहते हैं लोग दोस्तों? इंटरेस्ट। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं लोग। तो चलिए INTERES, इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ब्याज, ब्याज की परिभाषा सुनिए, उधार लिए गए धन के उपयोग के बदले जो अतिरिक्त धन चुकाया जाता है ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उधार लिए गए धन के अतिरिक्त जो धन चुकाया जाता है, उधार लिए गए धन के उपयोग के बदले जो धन अतिरिक्त जो धन चुकाया जाता है उस धन को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्याज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ, उधार लिए गए धन के उपयोग के बदले जो अतिरिक्त धन चुकाया जाता है उस धन को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। तो चलिए अब मिश्र धन जानते हैं, मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिश्र धन, मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए मिश्र धन को परिभाषा क्या होगा? चलिए दोस्तों, मिश्र धन किसे कहते हैं? मिश्र धन एक निश्चित समय के बाद, क्या दोस्तों? सुनिएगा, मिश्र धन की जगह थे, एक निश्चित समय के बाद आपको मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर पूरा धन ऋण प्राप्त करने वाले को वापस करना होता है। क्या? सुनिएगा ध्यान से, एक बार और रिपीट करना। देखिए मिश्र धन की जगह थे, एक निश्चित समय के बाद आपको मूलधन
एक निश्चित समय के बाद आपको मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर पूरा धन ऋण प्राप्त करने वालों को वापस करना होता है, जिससे उस धन को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। आपको याद रखना है, यानी कि कह रहा है कि जो एक बार और एक निश्चित समय के बाद, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर जो ऋण जो प्राप्त किया हुआ होता है उसको जो चुकाना पड़ता है, उस धन को हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो चलिए अब सूत्र पर चलते हैं लोग। तो सूत्र पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले है ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा सौ। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्या होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय मल्टीप्लाई दर बटा सौ, मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर बटा सौ, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, दर। दर तो देखिए, दर ब्याज मल्टीप्लाई सौ, क्या होता है ब्याज मल्टीप्लाई सौ मूलधन बटा मूलधन मल्टीप्लाई सौ, मूलधन मल्टीप्लाई समय, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्या दर बराबर क्या होता है, ब्याज मल्टीप्लाई सौ मूलधन गुणे समय, ब्याज मल्टीप्लाई सौ बटा मूलधन गुणे समय दर बराबर होता है। आपको ये सूत्र याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी। इस वीडियो में जो भी सूत्र बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि या फिर क्लास या फिर पार्ट वन हो या फिर पार्ट वन से लेकर पार्ट एट तक हो, मैं चुन चुन कर ही ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही सूत्र आपको दे रहा हूँ, सूत्र के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आगे है अगर समय निकालना हो, समय इक्वल टू क्या होता है, ब्याज मल्टीप्लाई सौ बटा मूलधन गुणे दर, क्या होता है ब्याज मल्टीप्लाई सौ बटा मूलधन गुणे समय मूलधन गुणे दर। या अगर आपको समय निकालना हो तो ब्याज गुणे सौ बटा मूलधन गुणे दर, ये आपको सूत्र होता है समय निकालने के लिए। अब चलिए, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे सौ बटे समय गुणे दर, क्या होता है मूलधन बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुणे सौ मूल समय मल्टीप्लाई दर, ब्याज गुणे सौ बटा समय मल्टीप्लाई दर, ये होता है मूलधन बराबर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। जब आप मूलधन में ब्याज प्लस कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ब्याज अगर आपको निकालना हो तो जब आप मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। जब आप मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान देना है, ये भी सूत्र आपको याद करना है। अब देखिए, मूलधन एक और है, मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस ब्याज। जब आप मिश्रधन में से ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन आपका निकल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सूत्र देखिए दोस्तों। नेक्स्ट सूत्र है मूलधन। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन मल्टीप्लाई सौ बटा सौ प्लस समय मल्टीप्लाई दर, समय मल्टीप्लाई दर, ये आपको सूत्र याद रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, धन्यवाद।